हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज जो कि बनाया गया 23 अप्रैल 2020 की डेट से। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा और हमारी फ़ी भरना मत भूलिएगा, बहुत माइनर सी फीस है। और फ़ी क्या है हमारी, एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब, ये फ़ी आप तो आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट फ़ी भरिए और आइए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ऑप्शन है 9.99%, 8.99%, 5.89% या 7.49%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पे 9.99% की बात की है। फेसबुक ने 22 अप्रैल को एक घोषणा की कि वो जियो की आपकी सिम आती है ना, उसकी तकरीबन 9.99% हिस्सेदारी खरीद लेगा। ये जो अमाउंट है 9.99%, यानी कि 9.99% जो अमाउंट है, वो अपने आप में 43,574 करोड़ रुपीज़ है, कोई कम अमाउंट नहीं है। ये बहुत बड़ी डील है जो फेसबुक और जियो ने की है, जबकि अब तक ये बोलेंगे हम ये फेसबुक और जियो की अब तक की सबसे बड़ी डील है। तो फेसबुक जो है वो जियो की शेयर होल्डर कंपनी बन गई है अब। ठीक है, और जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, रिलायंस की ही एक कंपनी है, इसके तमाम प्रकार के डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है आपको, जैसे कि आपका इंटरनेट चलता है, आपकी जो टेली कम्युनिकेशन होती है वो सब ये प्रोवाइड करती है। और तकरीबन आज की डेट में अगर देखा है तो 38.8 करोड़ से ज़्यादा इसके ग्राहक हैं। ठीक है, और जियो और फेसबुक के बीच जो तालमेल है वो डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, ऐसा माना जा रहा है, इसीलिए हिस्सेदारी की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लंगू ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, यानी 15 जून, 30 मई, 10 जुलाई या 1 जून तक। तो देखते हैं इसका आंसर है 1 जून तक बढ़ा दिया। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली सेन लुंग, इन्होंने क्या किया है कि 1 जून तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया। पहले 4 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कोरोना में देखते हुए, कोरोना का जो संक्रमण आ रहा है उसमें देखा गया है कि सिंगापुर में एक दिन में ही 1,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बोला है कि भाई कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा हो गई है, और मानना यह है कि इस बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए लग रहा है कि ये भी बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाली है। तो इसको देखते हुए कि एक दूसरे की मदद करने का आग्रह किया है और प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भी कहा है, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, तो राहुल सचदेवा, प्रकाश झा, सुदर्शनम बाबू या मोहन राय। तो यहाँ पे आंसर सही क्या, सुदर्शनम बाबू। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त कर दिया है। ठीक है, ये सम्मान पाने वाले वे तीसरे भारतीय अमेरिकी मूल के नागरिक होंगे। ठीक है, जो इन्होंने अपनी पीजी जो कंप्लीट की थी वो कोयम्बटूर के इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, इसको हम बोलते हैं आईआईटी मद्रास से भी उन्होंने पढ़ी थी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना जो एडवांस एंड एडविटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मेट्रोलॉजी और क्या कहते हैं कंप्यूटेशन मेट्रोलॉजी मॉडलिंग, ये सब उन्होंने 21 साल का अनुभव उनको इन सब फील्ड में है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी किया, और वर्तमान में वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ये ब्रेडसन सेंटर के निदेशक हैं। ठीक है, और आज वो क्या कर रहे हैं कि उनको एक प्रकार से ये रीज नेशनल लेबोरेटरी गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष रूप में भी उनको स्थापित किया गया। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना, सुदर्शनम बाबू नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 मई। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण करना है। ठीक है, इस पृथ्वी दिवस को जो मनाते हैं पर्यावरण को संरक्षण करना है। अभी आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो
क्लाइमेट है ना वो चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा सही इन्वायरमेंट बनता रहा, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इसकी थीम रखी गई थी इस बार विश्व पृथ्वी दिवस की कि क्लाइमेट एक्शन, इसकी थीम भी क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। और थीम है इसका, इस साल का थीम था इसका प्रोटेक्शन अवर स्पीशीज, जो हमारी लुप्त प्राय होने वाली जीव जंतु उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, और सभी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे या दुनिया भर के जितने भी पर्यावरण को पर्यावरण की जो हानि हो रही है उन सबको पुनर्जीवित करने की, उनमें जागरूकता बढ़ाने की, इस लक्ष्य को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, और पहली बार ये 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था, और 1970 से लेकर अब तक ये मनाया जा रहा है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबरसिरी जिले में सुबरसिरी नदी के ऊपर दापोरिजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उद्घाटन किया, फिर उन्नयन किया है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? बस आप इतना समझ लो कि आपको इस नदी का नाम पता होना चाहिए, तो आप आराम से अंदाजा लगा लोगे। तो ये नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस पुल का वजन तकरीबन 24 टन है, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया, तो यानी कि देख लो डबल बढ़ा दिया गया, इतना डबल ही है क्योंकि केवल 16 टन ही इसमें इंक्रीज किया गया, लेकिन डबल की तरह ही है ये। इससे क्या होगा, डबल करने का फ़ायदा क्या होगा, इससे भारी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही हो सकेगी, जो गांवों के जो वस्तुएं हैं उनको आराम से सेवाओं की आपूर्ति मिल सकेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सेवाएं उसमें कुछ सुविधा मिलेगी। ठीक है, और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी डेवलपमेंट की ज़्यादा संभावनाएँ जल्दी से विकसित होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? तो ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक या सिटी बैंक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें क्या होगा, भारतीय वित्त मंत्री जो है, भारतीय वित्त मंत्री हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया है कि विश्व वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में डेवलप जो बैंक हुआ है उसके द्वारा जो कई प्रकार का डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि जो ब्रिक्स सदस्य है खासतौर पर, जो आपका ये है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स सदस्यों के लिए है खासतौर पर, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अमेरिका ये सब आते हैं, और इसको 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और क्यों स्थापित किया गया, तो ये देश है ना ब्रिक्स के, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको विकासशील गति से आगे बढ़ाने की, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, कई परियोजनाओं को चलाने के लिए, और उस परियोजना में जो आने वाली रुकावटें हैं उनके लिए धन इकट्ठा करने के लिए, व्यापक संसाधन इकट्ठा करने के लिए बैंक बनाया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक 2016 में हुई थी, जो चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेशक की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? तो जापान, अमेरिका, चीन या पाकिस्तान? या बात की चीन। देखिए, सेबी ने क्या कहा है कि भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों या संस्थाओं के द्वारा जो निवेश किया जा रहा है उसको रोकने की बात की है। और यहाँ पे क्या किया है, वित्त मंत्रालय उन्होंने क्या किया गया, जो FDI है उस FDI पे भी उन्होंने रोक लगा दी। इसमें क्या हो रहा था कि जो चीनी कंपनी है, चीनी कंपनी क्या कर रही थी, जो हमारे भारतीय कंपनियां उनको खरीदने की कोशिश कर रही थी, मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, पूरी इकोनॉमी स्लो पड़ गई है, तो इसलिए चीन अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर उसको रोक दिया गया। ठीक है, इसमें इतनी सी न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? यही लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि प्रदेश में तकरीबन 1,00,000 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात की जा रही है, और सहायक जो है ना, तो साथ में मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, सहायिकाएँ जो होती हैं उनको COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की बात की गई, उनको लाभ प्राप्त होगा इसके तहत में। और इस योजना के तहत कौन कौन लोग आएंगे, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और विशेषज्ञ जो हैं, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नागरिक प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारी, इन सभी को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। और योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो
परिवार वालों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली में सहायता कितने रुपए रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, चेतन आनंद या अरविंद भट्ट? तो ये क्या है, पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन ये चलेगा, ठीक है। इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है और ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसका जो कोच का विकास है इसका माध्यम है कि प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर पर कोचिंग देने की बात की जाए, सिखाने का मौका दिया जाएगा। और जो कोच है पुलेला गोपीचंद, इसके अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी इसमें मौजूद रहेंगे। और खेल विशेषज्ञों के अनुसार अगर बात करें तो एक बेहतरीन मंच बनेगा जिसमें विदेशी कोचों का अनुभव भी हमारे जो भारतीय प्रशिक्षक हैं उनको मिल सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि हो पाएगी। और ये कार्यक्रम 8 मई तक चलने वाला है। अगला है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के 3rd संस्करण की शुरुआत की है? तो सुजलाम सुफलाम की बात की जा रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो ये काम किया है गुजरात ने, गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया है और इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये ध्यान रखना कि तीनों इन्वॉल्वेज में जल संचयन का जो अभियान है इसमें बनाए गए जलाशयों में बारिश के चलते लावाला पानी भर चुका है। गुजरात के कई इलाके ऐसे जो पानी कमी से जूझ रहे हैं और वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो सिंचाई की व्यवस्था पूरी करनी है। गुजरात के जो CM है विजय रूपाणी, इन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जो जल भंडारण की क्षमता है वो तकरीबन 23,553 लाख क्यूबिक फीट रख बढ़ा दी गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट डे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल आपके लिए अगली वीडियो आ जाएगी और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।